नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जनपद बिजनौर के जलीलपुर में किया गया बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन, सांसद मलूक नागर और गिरीश चंद हुए बैठक में शामिल। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड़ सभा में महिला कमेटी द्वारा धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाई गई श्री कृष्ण जी की छठी। दिल्ली के संगम विहार में युवती के साथ हुए बलात्कार और निर्मम हत्या के विरोध में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर संबल के गवाह में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। संबल में किसान यूनियन असली की महापंचायत को नगर सुधार कमेटी के अध्यक्ष मुशीर खा तरीन के तत्वाधान में दिया गया समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा पुलिस और अर्धसैनिक बल की नौकरियों में दिव्यांग जन आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर विकास विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष ने पुनर्विचार की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा पत्र। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। स्टॉक, सैलरी, रेंट, टैक्स, काफी खर्चे होते हैं। इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए, चुटकियों में वो भी शांस है। हा? क्या नया शोरूम? चलाओ ब्रह्मास्त्र। बिजनौर के एजाज अली हॉल में किया गया राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक का आयोजन। दिव्यांग जनों का 4% आरक्षण बहाल न होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी। नगीना के सरस्वती विद्या मंदिर में नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत सिलाई का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी बहनों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। बिजनौर के जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काट कर किया शुभारंभ। सियौरा क्षेत्र के गांव हसनपुर पालकी में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। जनपद संबल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में टेम्पो चालक ने चंदौसी और बिलारी के दबंग लोगों द्वारा दबंगी दिखाकर टेम्पो न चलाने देने का लगाया आरोप। जनपद बिजनौर के शेरकोट में पैसे के लेन देन के चलते बेटे ने अपने पिता को सड़क पर फेंका, पड़ोसियों ने बामुश्किल व्यक्ति को बचाया। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते अधर में लटका राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य। झालू नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद के घर के पास अज्ञात व्यक्ति ने किया हवाई फायर। पंचायत अध्यक्ष ने हल्दौर थाने में तहरीर देकर की कार्यवाही की मांग। जनपद बिजनौर के सिवारा में किया गया भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन, मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने का किया गया आह्वान। नेहरू युवा केंद्र बिजनौर के तत्वाधान में जलीलपुर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ की गई मीटिंग। नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्यों को सफल बनाने का किया गया आह्वान। भाई के हत्यारोपी भाइयों को पुलिस ने भेजा जेल, धामपुर के मोहल्ला बाड़वान का मामला। अब खबरें विस्तार से। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड़ सभा में महिला कमेटी द्वारा श्री कृष्ण जी की छठी धूमधाम और श्रद्धाभाव से मनाई गई। कार्यक्रम में प्रातःकाल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया गया तथा संध्या को मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों को कढ़ी, उड़द चावल,
फल तथा हलवे का भोग लगाकर महिलाओं ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं और भक्तों ने मनमोहक भजनों का गायन कर वातावरण को कृष्णमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में आरती कर उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर मैड सभा की महिला कमेटी की पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहीं। धामपुर से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। आज श्री कृष्ण जी की छठी का आयोजन किया गया समारोह वाले में, और हम महिलाओं का ही कार्यक्रम है, महिलाएं इसका सारा अरेंज करती है। और आज के दिन हमने छठी के उपलक्ष्य में कढ़ी चावल, उड़द, हलवा है, फल है, और इस तरह का आयोजन किया है। और सभी महिलाएं हमारे यहाँ कार्यक्रम में भली प्रकार से उपस्थित हुई है। उनकी छठी का हम कार्यक्रम 6-7 साल से करते जा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम महिला हमारे साथ शामिल होती है तो हम कृष्ण जी का भोग लगाते हैं। इसलिए हर करीब करीब 2.5 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। जनपद संबल के गवा में साबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई और अंबेडकर स्टूडेंट्स ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के संगम विहार में एक युवती साबिया सैफी के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया और फिर चाकुओं से गोद कर उसकी निमर्म हत्या कर दी, जिसको लेकर देश के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं संबल के गवा में भी छात्र संगठनों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन पुलिस चौकी प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया। संबल से हमारे संवाददाता संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। सर, जो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले साबिया सैफी का, जो हमारी एक बहन डिफेंस पुलिस में जो जॉब करती थी, उसके साथ जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर बर्बरतापूर्वक उसका दुष्कर्म किया गया, उसके साथ उसके अंग को भिन्न कर दिया गया, और सरकार, ना भारत सरकार और ना ही दिल्ली सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है। बताने की क्या छुपाना चाहती है सरकार हमसे। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से आज नारी शक्ति, हमारी बहनें बेटियां सब असहज महसूस कर रही हैं, मोदी जी और हमारी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल साहब इस पर मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, और आज तक अभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। इतनी बर्बरतापूर्वक हमारी बहन के साथ जो किया गया है, उसके विरोध में हम लोग उनकी श्रद्धांजलि के लिए और आज एक ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपने आए हैं, और ये श्रद्धांजलि हम साफिया बहन के लिए देंगे, जिससे कि, और हम मांग करेंगे राष्ट्रपति महोदय जी से कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो एक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और सम्मानित रह सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है और मैं NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये NSUI जो है, इसकी तरफ से निकल रहा है ये कैंडल मार्च? NSUI की तरफ से है, कांग्रेस पार्टी की जो छात्रा है उसकी तरफ से, NSUI की तरफ से, और अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष हैं राहुल गौतम जी, और हमारी NSUI के कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जिला कमेटी तक के लोग हैं, पूरी कांग्रेस कमेटी। बिजनौर के एजाज अली हॉल में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पासा और संचालन प्रदेश अध्यक्ष सजाकत हुसैन तथा जिला प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पासा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, जिससे सरकारी नौकरियों से दिव्यांगजनों को वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए दिव्यांगजनों को मिलने वाला 4% आरक्षण पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि देश के हर एक राज्य में दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष भी एक दिव्यांग हो। विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पासा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विकलांगों की मांगे नहीं मानी गई, तो 20 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा, तथा राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन द्वारा देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। सिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, ये आप आज किस विषय में यहाँ धरना प्रदर्शन किया आपने? देखिए, हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के बैनर पर, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें जो सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना 18 अगस्त को धारा 34 के तहत जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें सरकारी नौकरी में जो दिव्यांगों को आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है, उसको लेकर हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति जी को
ज्ञापन दिया है जिसमें अधिसूचना रद्द कर जो दिव्यांग आरक्षण कोटा को बहाल किया जाए। अगर दिव्यांग आरक्षण कोटा बहाल नहीं किया गया तो हम लोग पीएमओ कार्यालय दिल्ली और मुख्यमंत्री आवास 3 दिसंबर का घेराव करेंगे और हमारा संगठन सड़कों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और चक्का जाम करने पर मजबूर होगा। और भी हमारी जो दिव्यांग साथियों की मांगे हैं वो जल्दी से जल्द पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो हम लोग धरना और सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। इसके अलावा कोई और मांग सर आपकी? बस हमारी यही मांग है सरकार को, अल्टीमेटम है, हमारी मांग है जल्दी जल्दी पूरी करें और आरक्षण बहाल करें। नगीना के सरस्वती विद्या मंदिर में नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत सिलाई का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। नगीना के मोहल्ला अंबेडकर नगर में सेवा भारती के संचालन में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता है जिसमें सिलाई के साथ साथ सेवा संस्कार और देशभक्ति भावना की अलग भी छात्राओं में जगाई जाती है। इस केंद्र पर प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को विद्यालय परिसर में प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। एक्यूप्रेशर थेरेपी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सेवार भारती के प्रमुख धनीराम जी, प्रांत अध्यक्ष कैलाजी सहित विद्यालय के आचार्य और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा स्थापित 500 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सदर विधायिका सूजी चौधरी तथा मौसम चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों की जान चली गई थी, जिसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार प्रदेश के हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार एक बार दूसरी बार जो कोविड की लहर आई उसके कारण से काफी लोग जाने गई और निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि सारे देश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करनी। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत परिश्रम करके, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, समाज के लोगों ने बहुत परिश्रम करके ऑक्सीजन प्लांट को ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, लेकिन दिक्कतें बहुत थी। लेकिन तभी हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जनपदों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट और पीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उसी के अंतर्गत आज दूसरे प्लांट का उद्घाटन यहां पर हुआ है जिसकी 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता है और एक बड़ा ये ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ आज हुआ। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे प्रत्येक जनपद के अंदर, प्रदेश भर के प्रत्येक जनपदों में इस प्रकार के कम से कम 1 प्लांट 2 प्लांट 5 प्लांट जैसी आवश्यकता हो वैसा वहां पर लगाया जाए। और मैं इसका निरीक्षण भी कर रहा हूं हॉस्पिटल का। वर्तमान में महिला हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था, सुंदर, पेशेंट को हर प्रकार की सुविधा के देने का निर्देश हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और हमको लगता है कि सामान्य जो शिकायतें पेशेंट के द्वारा हॉस्पिटल के प्रति रहती थी अब वे न्यूनतम तो नहीं हुई, मतलब समाप्त तो नहीं हुई पर न्यूनतम हुई, यानी जो शिकायतें 100 की थी अब शिकायतें घटने के 10 आई, यानी काफी लेवल चिकित्सा सुविधा का सुधरा है, इम्प्रूव हुआ है और डॉक्टर की पूरी टीम और पेशेंट के साथ काम कर रही है। सियौरा थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर पालकी में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर एंटी रोमियो टीम की प्रभारी मीनाक्षी गुप्ता ने महिलाओं को शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और कहा यदि किसी भी महिला या युवती को कोई कहीं परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है या अन्य कोई भी समस्या होने पर वह इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उनकी शिकायतों को तुरंत निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। इशरत अली की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर।
जनपद संभल के बनिया ढेर में एक टेम्पू चालक ने चंदौसी तथा बिलारी के कुछ दबंग लोगों द्वारा दबंगी दिखाकर टेम्पू न चलाने देने का आरोप लगाया है। टेम्पू चालक के अनुसार वह चंदौसी और बिलारी के बीच टेम्पू चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। चालक का आरोप है कि चंदौसी और बिलारी के कुछ दबंग लोग उन्हें परेशान करते हैं और उन्होंने जबरदस्ती उनका टेम्पू भी सीज करा दिया है। टेम्पू चालक के अनुसार उसके पास टेम्पू के कागज भी पूरे थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, लेकिन फिर भी उसका टेम्पू सीज करा दिया गया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। ऑटो नहीं चलने दे रहे हमारी। कौन लोग? ये क्या नंबर है? ये क्या है? हाँ जी, प्रेम शंकर कौन है? क्या है? पप्पू जी, यह मुंशी जी हैं, मुनीर ठेकेदार हैं। क्या कहते हैं? नोगेरे हमारी मैजिक चलेगी, ऑटो नहीं चलेंगी तुम्हारी। क्यों नहीं चलेंगी? क्या पता जी, ये चलने ही नहीं दे। जो ऑटो है वो क्या है, डीजल का है, किस चीज़ का है? क्या सीएनजी का है? सीएनजी का है। तो कब लिया आपने? अभी महीना भर हुआ है। सीएनजी पास है? हाँ जी। तो उसका परमिट भी तो होगा ना चलने का? परमिट 18 किलोमीटर का है बस। 18 रूट नहीं है उसमें? कौन से रूट पे चलेगा? रूट पे तो उसका तो अभी रूट ही नहीं है कोई। कहीं पे चला सकते हैं? हाँ, 18 किलोमीटर पे चल सकते हैं। अब आप लोग चंदौसी से बिलारी तक चला रहे हैं 6 फुट तक? हाँ। चलने नहीं दे रहे ये लोग? नहीं चलने दे रहे। क्या कहते हैं? नोगेरा में मैजिक चलेगी, तुम्हारी ऑटो नहीं चलेगी। अब आप लोगों ने कहाँ शिकायत की है? शिकायत अभी तो यहाँ पर ही है। कहाँ पर? थाने में। इधर कौन सा थाना है? पनीठेल। क्या कह रहे हैं यहाँ के साहब? नोगेरा इधर एप्लीकेशन दो। आपने एप्लीकेशन दे दी? दे दी। मेरा नाम है साहब सुभाष। क्या समस्या है? समस्या ये है, गरीब लोग हैं हम लोग और कर्ज पानी से हमने टेम्पू लिया है, सीएनजी वाला, छोटा वाला, जो 3 सवारी हमारा पास है। और यहाँ पे चंदौसी और बिलारी जो लोग दबंग हैं, जो नाम क्या है उनके? नाम इनका पप्पू शेरी है और रहूफ शेरी है, और बिलारी वालों को मुझे नाम नहीं पता। ये लोग हमारे टेम्पू नहीं चलने दे रहे। कितने टेम्पू हैं आपके? मेरा तो एक ही है, लेकिन और मेरे साथियों के, बंधुओं के हैं, लमसम 7 टेम्पू हैं हम लोगों पे। हाँ, और रोक रहे हैं वो लोग? सभी को रोक रहे हैं, और हम लोगों की किस्त हमारे सिर पर रखी है बिल्कुल, लेकिन कहाँ से जमा करें? आप लोग थाने में आए हैं? क्यों आए? बस इसी समस्या का समाधान करने को आए हैं। क्या कार्रवाई की आपने? अभी एक पोर्टल पर शिकायत करी हमने मुख्यमंत्री की, लेकिन वो यहाँ आई है थाने में। अब ये कह रहे हैं कि ये समस्या बिलारी की है, ये हमारी तो कोई समस्या है नहीं, या फिर समस्या आपकी चंदौसी की है। तो हमारी कोई समस्या हो तो बताओ, हम समाधान करें। मतलब बनिया ठेर थाने का मैटर नहीं है, चंदौसी बिलारी का? हाँ, चंदौसी और बिलारी का है। तो निस्तारण कैसे होगा इसका? अब इन लोगों ने मेरा टेम्पू सीज करा दिया। किस क्या कमी थी आपके कागजों में? कोई कागज में कमी नहीं, मेरे ये तो जबरदस्ती वहाँ बैठ के इन लोगों ने, पप्पू शेरी ने सीज कराया है। मेरे पास सारे कागज हैं, आप एक एक कागज, मैं प्रदूषण के नया टेम्पू है, मैंने प्रदूषण रसीद भी कटवा रखी है, बीमा है मेरे पास, आरसी है, परमिट है, मेरा डीएल भी है, लेकिन मुझसे कागज नहीं मांगे गए। जबरदस्ती मेरा टेम्पू सीज कर दिया गया और कह दिया गया कि तेरा टेम्पू सीज करना है तो मुझे करना है। किसने कहा? ये है, इनका नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ दरोगा जी का, अभी पकड़िए, इनका नाम मैं लिख के ले आया इनकी नेम प्लेट से पढ़कर। इनका नाम है गिरजेश बहादुर यादव। क्या 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 कहा इन्होंने? इन्होंने मुझसे कागज नहीं मांगे और उस पर सीजर पे लिख दिया, बोले कागज ना दिखाने पे आपका सीज हुआ है, और कागज मुझसे नहीं मांगे गए, जबकि मेरे कागज मैं साथ साथ लिए उनके पीछे पीछे फिरता रहा, चिल्लाता रहा कि कागज सारे ये हैं, आप कागज देख लो, लेकिन उन्होंने नहीं देखे। जनपद बिजनौर के कस्बा झालू नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद ने हल्दौर थाने में तहरीर देकर उनके घर के सामने हवाई फायर करने वाले अज्ञात व्यक्ति की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद के अनुसार बीती रात वह अपने घर से बाहर थे और उनके परिवार के लोग घर पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति आकर उनके घर के सामने रुका और बंदूक में गोली भरकर हवाई फायर करते हुए वहां से फरार हो गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया है। शहजाद अहमद ने बताया कि यह दहशतगर्द दहशत फैलाने या कस्बा के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। उक्त मामले में पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद ने थाने में तहरीर देते हुए कहा कि इस घटना के बाद उनकी और उनके परिवार के लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने पुलिस से परिवार के लिए प्रोटेक्शन और आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की है।
झालू से तो वसीन कस्तार की रिपोर्ट। देखिए कल जो है करीब रात 12:30 बजे करीब एक घटना हुई थी जिसमें एक बाइक सवार जो है मेरे घर के पास आके खड़ा होकर उसने बंदूक में अपनी गोली डाली और उसको जो है हवा में फायरिंग की। ये घटना जो है हमारी सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज से मिली है, क्योंकि मैं भी थोड़ा दूसरी जगह बैठा हुआ था। जब ये घटना हुई तो हमारी जो है बीवी ने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे जो आवाज आई है, किसी ने जो है गोली चलाई है और निकल गया कोई बाइक पे। तो जब आके हमने चेक किया तो उसमें जो है सीसीटीवी फुटेज पे यही देखा कि उसमें कोई व्यक्ति है जो बाइक सवार है, उसने आके यहाँ बाइक रोकी और बाइक पे जो है उतरा और उसने जो अपनी बंदूक में गोली डाली और हवा में फायर की। भाई देखिए ये घटना जो है बड़ी अजीब और गरीब घटना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरीके से कोई सवालिया निशान उठने लगेंगे। क्या आपको किसी पर शक है? देखिए मेरा शक अभी उस पर, क्योंकि फुटेज में जो है बिल्कुल क्लियर चेहरा नहीं आया है। शक के मैंने अज्ञात में एक रिपोर्ट दी है अपने थाना प्रभारी को, जिससे कि जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। की घटना है ये लगभग 12:30 बजे के करीब की घटना है। आपके घर के बाहर फायरिंग की गई है जी, आपको क्या लग रहा है कि कौन लोग हो सकते हैं? देखिए रंजिश से हो आप, क्या शक जता? मेरी रंजिशों का मामला तो ये है कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं तो लोगों ने जो है मुझसे मुखालफतें जो मेरे विपक्ष के लोग थे उन्होंने निकालनी शुरू रखी है। हमेशा मेरे ऊपर कभी ना कभी बीच बीच में मेरे ऊपर प्रहार भी किए हैं और मेरे ऊपर जो है हमले भी किए हैं, और ऐसा ही हमला पहले भी कर चुके हैं। अभी ये हमला भी हुआ है, इसमें क्योंकि ये दहशतगर्दों का जो है सिर्फ मकसद दहशत फैलाना है और मुझे जो है थ्रेट देना है, मुझे परेशान करना है। मेरे बीवी बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा इस चीज़ का भी एहसास है कि भाई हमारे मेरे पीछे कभी कोई ऐसा हादसा ना हो या मेरे साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। मैंने पुलिस से गुहार भी लगाई है कि जो है इसमें मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। तहरीर वगैरह दिया? तहरीर दी है मैंने, अपने जो थाना प्रभारी है उनको मैंने तहरीर दी है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल अफजलगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों के चलते दशकों पहले जर्जर हो चुके कॉलेज भवन का करीब 2 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है और विद्यालय पुराने निष्प्रयोजित जर्जर भवन में ही चल रहा है, जो कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय के कार्यालय का मुख्य भवन का एक हिस्सा गिर चुका है और कुछ कमरे भी धराशाही हो गए हैं। विद्यालय के अन्य शेष कमरों में अब भी कक्षाएं चल रही हैं, जो बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर नए भवन में कक्षाएं सुचारू करवाने की मांग की है। वहीं इस मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य नितिन चौहान का कहना है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर जल्द ही भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। नगीना क्षेत्र के ग्राम काजीवाला में खेत से चारा लेने गई एक महिला की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का मंजू अपने परिवार के साथ खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। वहां बिजली के 33,000 केवी की लाइन पेड़ों से टच हो रही थी और पेड़ के पत्तों के कारण तार दिख नहीं रहा था। इसी दौरान मंजू देवी अनजाने में विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जहां करंट लगने से मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका महिला के परिवारजनों के अनुसार घटना के तुरंत बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बिजली के तारों से लग रहे पेड़ की शाखा को काट दिया। परिवारजनों ने सरकार से मृतका के बच्चों को मुआवजा दिलाने की मांग की और बिजली विभाग के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम तुलाराम है जी। ये गांव कौन सा है? गांव काजीवाला है। ये घटना क्या घटी है? ये घटना ये है कि ये आदमी जो है, हमारी भाभी जो है, जो मृतक है, ये जो है अपने पशुओं के लिए, अपने बच्चों और अपने आदमी के साथ में चारा लेने गई थी खेत पर, और वहीं पर जो है ये घटना घटी है, क्योंकि बिजली का जो तार है वो पेड़ों से टच थे सारे और वो उनका पता नहीं चला और वो जो है बिजली की चपेट में आकर के अपने प्राण छोड़ गई। और बाद में जैसी घटना का पता लगा, वैसे ही बिजली विभाग जो है वहाँ से आकर के उन्होंने सारे गुद्दे जो है पेड़ से जो तार से जो टच हो रहे थे वो सारे जो है काट गिराए उन्होंने। हमारी दरख्वास्त है कि जो है इसको जो है मतलब इसका उचित मुआवजा या इसका कुछ आर्थिक मदद मिल जाए तो इसके बच्चों का गुजारा ठीक हो सके। मेरा नाम राम सिंह है जी। ये गांव कौन सा है? काजीवाला है जी। ये घटना क्या घटी? घटना कब ऐसे घटी? हम परसों के लिए चारा लेने गए थे
उस पेड़ के नीचे से निकल के जैसे निकले पेड़ के गुद्दे तार पर टच थे, हमारी उसके दरमियान मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, बिजली ने पकड़ लिया, वही मौत हो गई। तब थोड़ी देर में जब हम घर को उसे लेकर आए तो थोड़ी देर में बिजली वाले लाइन वाले आए, उन्होंने गुद्दे तार के नीचे काट दिए। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार थोड़ी बहुत मदद कर दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबी आदमी हूँ मैं। जनपद बिजनौर के सीओआरए में भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नए लोगों को भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता दिलाई गई। भाकियू नेता चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि बिलों के विरोध में एक साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। साथ ही उन्होंने किसानों से मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा और अगर सरकार ने किसानों के खिलाफ लाए गए कानूनों को वापस नहीं लिया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में कांग्रेस नगर अध्यक्ष चौधरी फहीमुर्रहमान, हरीश कुमार सहित भाकियों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सीओआरए से नवीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। बैठक का उद्देश्य है 5 तारीख मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सरकार किसानों की लगातार 9 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। तो जो हमारा किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने 5 सितंबर को ऐतिहासिक हमारी किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर होगी उसी की तैयारी में यहाँ है, और साथ में संगठन का विस्तार असीम काकुआ सदस्य दिलाई जाएगी। और मेरे सभी किसान भाइयों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मुजफ्फरनगर चलने के वाहनों की व्यवस्था करी गई है। तो सवेरे 7 बजे जो यहाँ सिवारे वाले हैं, सिवारे पेट्रोल पंप के पास जो पल्लेधर पूरी वाला है उसके पास पहुंचे, वहां बस मिलेगी आपको, वहां से बैठना है और मुजफ्फरनगर पहुंचना है, क्योंकि ये किसानों की आवाज है। किसानों के साथ साथ में आम जनता जो ये कृषि काले कानून इनके विरोध में है, और पूरे देश में आज आंदोलन है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो इस तरह के आंदोलन जो मुजफ्फरनगर है वहां से एक नया और नई रणनीति बनाई जाएगी। हमारे जो जत्थाबंदी 40 आदमियों की है वहां से ही हमारे आंदोलन की एक नई क्रम निकलेगी वहां से। इसी के साथ में मैं सब किसान भाइयों से दोबारा ये कहूंगा कि बड़ी संख्या में पहुंचे और किसानों की बात को मजबूती से रखें, और जो हमारे कृषि काले कानून है इन्हें वापस कराने में अपना सहयोग करें। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।